जाऊंगा। तो अजीजाने गिरामी, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कोई लफ्ज बुरा लग जाए तो उसे बुरा न मानना, इसलिए कि बुरा वो लफ्ज माना जाता है जिसके कहने के साथ दिल की नीयत बुरी होती है। लेकिन अगर दिल में मोहब्बत है तो मोहब्बत वाली बात अगर बुरी भी लगे तो सुनना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ तक सुना लाया था कि जिंदगी में साथ रहने वाले मरने के बाद बट गए, एक जन्नत में गया, एक दोजख में गया। तो जन्नत वाले ने दोजख वाले से पूछा, भी कुरान मजीद के फकरे पढ़ रहा हूँ, मा सलककुम फी सकर, तुम तो जिंदगी में, लाइफ में हमारे साथ रहा करते थे, तुमको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोजख में ले गईं? तो उनका पहला जवाब होगा, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लिहाजा हम दोजख में गए हैं। दो ही चीजें होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, मुस्बत और मनफी। मैंने आपके सामने दोनों बातें कुरान मजीद से पेश कर दी। यहाँ कुरान मजीद कहता है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशऊन, नजात वो पाएंगे दोजख से, बचेंगे वो दोजख से, जन्नत में वो जाएंगे जो नमाज पढ़ेंगे। और यहाँ कुरान मजीद ये कहता है कि दोजख में वो लोग गए जो नमाज नहीं पढ़ते थे। मैं आपके सामने न आया हूँ, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत से मकामात पर मुझे जाने का मौका मिला। मजलिस में 1000 आदमी मिलते हैं, नमाज में 10 आदमी मिलते हैं, 10 आदमी मिलते हैं। जब हम मजलिस पढ़ चुके, हमने कहा कि नमाज के बगैर नजात नहीं होगी, नमाज के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, नमाज न पढ़ने वाला दोजख में चला जाएगा। तो हमने मजलिस के बाद कहा एक नौजवान से, तुमने नमाज पढ़ी? कहा हमने तो अभी तक नहीं पढ़ी। तो हमने कहा लाओ आज पढ़ लो। कहा मौली साहब आज नहीं कल, आज नहीं कल। हमने कहा भाई नमाज वाजिब हो चुकी, जब तुम बालिग हुए थे, 15 साल के हुए थे, तब से वाजिब हो चुकी है, अब इसमें आज नहीं कल क्या? हमारे पास सजदा मौजूद है, मोहर मौजूद है, क़िबले का रुख हम बताए देते हैं, और अगर तुमको नहीं आती है तो हम तुम्हारे लिए पढ़ते जाते हैं, तुम सुनते जाओ और पढ़ते जाओ। कहा सब ठीक है मुल्ला साहब, मगर कल। तो हमने कहा कुछ वजह तो बताओ, ताकि हमारे ऐसे छोटी अकल वाले भी समझे कि आज नहीं कल। का हम मजलिस में आए थे, हमें यह क्या पता था कि मजलिस के बाद आप नमाज के लिए भी कहेंगे? तो हमने कहा अगर आपको नहीं पता था पर हमने कह दिया तो इसमें क्या बुराई है? कब आपको बताना ही पड़ेगा, हम पेशाब करते हैं और पानी से पाक नहीं करते हैं तो हम नजिस हैं, कैसे नमाज पढ़ें? तो मैं आपकी खिदमत में एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक आदमी बेनमाजी रहेगा तब तक नजिस रहेगा, और जहां से नमाज का पाबंद हो जाएगा वहीं से पाक हो जाएगा या नहीं पाक हो जाएगा।